एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश सांडिल्य ने आज चंडीगढ़ में हरियाणा राजभवन के सामने अपने साथियों के साथ प्रदर्शन किया। मुद्दा था भगत सिंह को आतंकवादी कहने वाले सांसद सिमरनजीत सिंह मान के खिलाफ करनाल पुलिस के द्वारा मामला दर्ज न करने की वजह। हरियाणा राजभवन के बाहर प्रदर्शन की वजह से वीरेश सांडिल्य और उनके साथियों को चंडीगढ़ पुलिस ने हिरासत में लिया। इस मौके पर उन्होंने सांसद सिमरनजीत सिंह के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस मौके पर वीरेश सांडिल्य ने कहा कि वे राज्यपाल से करनाल पुलिस के खिलाफ शिकायत करने आए थे। उन्होंने कहा शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी बताने वाले सिमरनजीत सिंह के खिलाफ करनाल पुलिस ने केस क्यों नहीं दर्ज किया, जिसके खिलाफ भी राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन देने के लिए चंडीगढ़ आए हैं। गवर्नर साहब से मिलने का समय नहीं मिल पाने की वजह से, मुलाकात ना होने की वजह से उन्होंने दोबारा से चंडीगढ़ आने की बात कही और जब तक आतंकवादी कहने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है वो यूं ही आवाज़ को बुलंद रखेंगे। क्या कहना था इस मौके पर वीरेश सांडिल्य का, आइए आपको खुद सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। आतंकवाद का भगत सिंह को आतंकवादी बताने पर मुकदमा दर्ज करने की बजाय हमें ही गिरफ्तार कर रहे हैं, ये शेम शेम है। भगत सिंह अमर रहे। हम गवर्नर साहब को मिलने आए थे करनाल पुलिस के खिलाफ। करनाल पुलिस के एसपी ने भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी बताने पर जो है मुकदमा दर्ज नहीं किया। चंडीगढ़ पुलिस के ऑफिसर्स ने कहा है कि आपने प्रॉपर गवर्नर साहब से टाइम नहीं लिया। हमने इनकी, क्योंकि इनकी ड्यूटी है, ये कह रहे हैं कि वीआईपी मूवमेंट का एरिया है, लेकिन मैं आज चंडीगढ़ से ऐलान करता हूं कि दोबारा हम टाइम लेकर आएंगे और जब तक भगत सिंह को आतंकवादी बताने वाले खुद आतंकवादी सिमरजीत सिंह मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता, उनकी लड़ाई ऐसे जारी रहेगी और अगली बार पूरी ताकत के गैल चंडीगढ़ भी आएंगे और दिल्ली में भी जाएंगे और अमित शाह जी से पूछेंगे एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के लोगों का क्या कसूर है जो भगत सिंह को आतंकवादी बताने वालों को गिरफ्तार करने की और मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। हमारा कसूर सिर्फ इतना है, हम चंडीगढ़ आए, मैं पुलिस की बड़ी इज्जत करता हूं, जब केपीएस गिल डीजीपी पंजाब थे हमने उनके दौर में आतंकवाद के खिलाफ आमने सामने लड़ाई ली, पुलिस को बूस्ट किया, आने वाले टाइम में पुलिस को बूस्ट करते रहेंगे, ऐसी ताकतों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। ईमान सिंह मान उनका बेटा कह रहा है कि अजैब घर से भगत सिंह की फोटो उतारी, पहले वहां से आतंकवादियों की फोटो तो उतरवा लो, सतवंत सिंह बेन सिंह की फोटो तो उतरवा लो, जरनैल सिंह भिंडरांवाला की फोटो तो उतरवा लो। आज आप यहां पे आए हो, इससे पहले आपने किसी को लेटर लिखा है इस चीज को? मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस हरियाणा के अफसरों से चल रही थी, इसलिए मैं हरियाणा लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन के हेड जो है गवर्नर साहब होते हैं, मैं गवर्नर साहब के पास आया था। आज गवर्नर साहब नहीं मिले तो एक बार डीजीपी और सीएम को मिलूंगा, अगर वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अगली रणनीति जो है संघर्ष की होगी। आपने खुद वकालत की है, इसको लेकर क्या आपने कोई मामला दर्ज करवाया? हाँ, 16 तारीख को रिटर्न कंप्लेंट बाई नेम कंप्लेंट मैंने करनाल के एसएसपी को लिखित दी और उन्होंने कार्रवाई ना करते हुए लिंगर ऑन किया कि हमने डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को ये भेज दिया राय के लिए, जैसे ही वहां से राय आएगी मुकदमा दर्ज हो जाएगा। लेकिन मामला भगत सिंह से जुड़ा हुआ है, उस भगत सिंह से जिसने देश के लिए आजादी लड़ी। आपकी आगे कार्रवाई क्या है? आगे कार्रवाई हमारी यही है कि आज सुखदीप जी ने कहा है, हम इनकी इज्जत करते हैं कि गवर्नर साहब का आपको टाइम नहीं है, लेकिन रात इन्होंने कहा था इनके डीएसपी गुरमुख सिंह जी ने कि आपको चार आदमियों को गवर्नर हाउस में ज्ञापन देने के लिए ले जाएंगे हम, अब इन्होंने मना कर दिया, क्यों मना कर दिया ही नो बेटर, पर हम अपने आप को ये महसूस करते हैं कि हमारा देश असहाय हो गया, हमारा देश उन लोगों के लिए हो गया जो आतंकवाद की बोली बोलते हैं, हमारा देश भगत सिंह की सोच पर पैरा देने वालों का देश नहीं रहा। लेकिन वीरेश सांडिल्य ऐलान जंग करता है, मैं वीरेश सांडिल्य ऐलान करता हूं कि मैं भगत सिंह को आतंकवादियों कहने वालों को जेल तक पहुंचा करूंगा। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इससे अलग भी आपने किन लोगों से कुछ बात की है? नहीं नहीं, मेरा अपना काम है एंटी टेररिस्ट फंड, ये पहला मैं हमेशा आतंकवाद के खिलाफ लड़ता रहा हूं।